वो देखो वो पहाड़ी देखो। सो फाइनली हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ से टोटल दिखा रहा है 9 घंटे, तो चलो नोएडा से चलते हैं शिमला। मतलब वहाँ देखो वो पहाड़ी देखो आप, कितनी सुंदर लग रही है ना। लोअर साइड है शिमला की, बैक साइड पे पड़ती है मार्केट, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मॉल रोड और ब्रिज पे भी, और आपको चर्च भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है शिमला का लोअर बाजार एरिया, है ना, और यहाँ पे देखो इतनी सारी शॉप्स हैं, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लोअर बाज़ार में, और काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं जैसे कि शूज़ हैं और कपड़े मिल जाएंगे आपको। वूलन शिमला की मार्केट की सैर बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखते हैं मॉल रोड की क्या हाल है ऊपर चल के। सो हम लोग पहुंच गए लोअर बाज़ार से मॉल रोड पे, और यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होगी इधर से। हम एक्चुअली काफ़ी आगे निकले हैं मॉल रोड पे। यहाँ पे देखो आप व्यू, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरी वैली में बादल आ रखे हैं, पूरा फॉगी फॉगी है। वाओ अमेजिंग व्यू, यहाँ देखो मॉल रोड से हमें कितना अच्छा व्यू मिल रहा है, और वैली तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, बादल पूरे आ गए हैं वैली में। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, बारिश के बाद बादल यहाँ से तो हट गए, पूरा शिमला दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं मॉल रोड के ऊपर शिमला के रिज पे, और सामने चर्च भी दिख रहा है, तो वहाँ तक जाएंगे।
व्हाट अ व्यू, आप देख लो इतने बढ़िया नज़ारे। तो अभी हम शिमला से जा रहे थे नारकंडा, और आप यहाँ रास्ते में देखो ऐसा व्यू देखने के बाद तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, इतना बढ़िया लग रहा है ना। और नीचे आप देख रहे हो ये एप्पल दिख रहे हैं, बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं नीचे। और इस साइड अगर आप देखोगे ये जो वाइट वाइट इन्होंने नेट लगाई है, सो ये एप्पल को हेल स्टॉर्म से, बारिश से, स्नो से बचाने के लिए लगाई जाती है। ऊपर देखो कितने अच्छे बादल दिख रहे हैं, और हर व्यू पॉइंट पे आपको इस तरह के बादल दिख रहे हैं पहाड़ियों पे। और यहाँ हमने सोचा इतने अच्छे मौसम के साथ, इतने अच्छे नज़ारे के साथ अपनी चाय पी जाए, चाय या कॉफ़ी। यहाँ देखो नारकंडा की सुबह, और हम लोग अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। ये रही नालदेहरा गोल्फ कोर्स की एंट्री, और यहाँ से इसका रास्ता, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज और टी शॉप्स हैं लेफ्ट साइड में। कैफे टी ऑफ आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में पार्किंग है, यहाँ आपको कार खड़ी करनी पड़ेगी। और घोड़े भी मिलते हैं जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स ऊपर। अभी तो हम पैदल जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ तक आते हैं। और यहाँ पे हमें एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे पिकनिक एरिया है, गोल्फ कोर्स है और क्लब हाउस है, और ये सिर्फ क्लब मेंबर्स की ही पार्किंग है। सो यहाँ से आगे हम जाएंगे तो गोल्फ कोर्स आएगा, और उसके ऊपर जाके पिकनिक एरिया, और ये है क्लब हाउस।
मेरे सामने राइट साइड पे गोल्फ कोर्स है यहाँ का, नालदेहरा का। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो एक अच्छा सा, ये आगे पॉइंट्स पे जा रहा है, तीन चार पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ नीचे उतर के एक टेंपल दिख रहा है मुझे, और जो गोल्फ कोर्स के बिल्कुल अंदर है। आप गोल्फ कोर्स में तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड हैं, सो आप बाहर से देख सकते हैं। तो ये देखो इस तरह आपको घोड़े पे लेके जाएंगे ये लोग, और आगे के सारे स्पॉट्स दिखाएंगे। ये सब पॉइंट्स आपको कवर करने के लिए यहाँ पे आपको घोड़े मिल जाएंगे जिसपे आप बैठ के ऊपर जा सकते हैं, बट पैदल आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही खराब रास्ता है। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू कमेंट।